जनपद में भी ईसा मसीह का जन्मदिन मैरी क्रिसमस के रूप में मनाया गया। शहर के सिविल लाइन सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस की धूम मची रही। इस दौरान चर्च में ईसाइयों और अन्य समुदाय के लोगों में विश्व शांति के लिए प्रार्थना की और कैंडल जलाया। क्रिसमस के मौके पर पूरा चर्च सजाया गया। चर्च परिसर में प्रभु ईसा मसीह के बाल काले की मनोहारी झांकी लगाई गई, जहाँ पर लोग मैरी क्रिसमस का गीत गाकर उत्साहपूर्वक मैरी क्रिसमस मना रहे हैं। लोगों ने ईसा मसीह से प्रार्थना सभा में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए प्रार्थना की। सुबह से ही सेंट मैरी चर्च में क्रिसमस की धूमधाम रही है। तरीके से आप लोग जो सेलिब्रेट जो कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस डे एक ऐसा दिन होना है जहाँ पे हम सब हमारे आने वाले ईसा मसीह के लिए उनके जन्म उत्सव को मनाया जाता है, तो बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। और ये नहीं होता है कि क्रिसमस केवल आज ही है तो हमने आज ही मनाया, ये पिछले काफी दिनों से चला आता है, पूरी प्रिपरेशन होती है। आज के दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है ताकि हमारे आने वाले जीवन में इस तरह की खुशियाँ आती रहे। कोई भी मुसीबत है वो प्रभु ईसा मसीह के द्वारा सारी परेशानियां दूर हो और हमारा आने वाला नया साल प्रभु परमेश्वर की दया से आगे बढ़ता है। किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया है? हमने पहले तो चर्च से रिलेटेड अभी ये चीज़ें हैं, बाकी घर में दोस्त वगैरह आते हैं, परिवार आता है, सब इकट्ठे होते हैं, खाना वगैरह बनता है, बाकी फिर वो ये एक उत्सव इस तरीके से हो जाता है कि हम प्रभु परमेश्वर के नाम पे इकट्ठा होते हैं, सब एक दूसरे के साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, सब एक दूसरे के साथ टाइम, क्योंकि आजकल के इतने बिजी माहौल के अंदर जिस तरह का ये कोरोना का चल रहा है, लोगों को एक दूसरे से मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा। ये एक पर्व हो रहा है कि एक प्यार का संदेश दे रहा है कि हम सब आके एक साथ मिल सके, अपने परिवार के साथ रिश्ते मजबूत कर सके। जितना ज़्यादा हम एक दूसरे के वक्त बिताएंगे उतना ज़्यादा हम रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये एक टाइम रहता है कि आप सब एक साथ होकर अपने परिवार के साथ, अपने प्यार मोहब्बत के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं, प्रभु परमेश्वर को याद करते हैं। आजकल के दिन क्या कहेंगे जो है, आज के दिन क्या कहेंगे जो ईसा मसीह के दिन? ये जरूरी है कि देखिए आजकल के टाइम में जिस तरीके का माहौल है, प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा जरूरी रह गया है। और आप चाहे दूर से ही मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रख रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु परमेश्वर भी उसके लिए दुनिया में आए कि मैं प्यार बांट सकूँ, यानी कि अपने आप से तो सभी प्यार कर सकते हैं, मैं बाकी सबसे अनजान लोगों से प्यार कर सकूँ। इसलिए जो क्रिसमस रहता है वो सभी के लिए रहता है, इसलिए चर्चेज जो रहती है सभी के लिए खुली होती है, किसी रिस्ट्रिक्टेड क्रिश्चियन के लिए नहीं रहती है, जिस समाज में भी चाहे प्रभु परमेश्वर के दर्शन के लिए क्रिसमस के लिए क्रिसमस है। किस तरीके से आपने जो सेलिब्रेट जो किया और आज क्या क्या कार्यक्रम होने और क्या क्या हुआ? देखिए ईश्वर ने मनुष्य इतना प्यार किया, वो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस धरा पे भेजा। वह बालक रूप में एक गौशाले में चरनी में जन्म लिए और उसी यादगार को हम लोग क्रिसमस के यानी क्रिस जयंती के पर्व के रूप में हम लोग विश्वासी भाई बहन हर एक गिरजाघरों में ये मनाया जाता है। हम लोग भी अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ मेरी सच हैदराबाद में हम लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाए हैं। और क्रिस्तीय बलिदान के बाद हम लोग केक काटे, आपस में खुशियाँ बांटे हैं और एक दूसरे को हम लोग क्रिसमस की बधाई दी। चर्च में इन दिनों जो है क्या क्या कार्यक्रम? विशेष प्रार्थना हो रही है जो महामारी ये चल रही है कोविड-19 की, उसमें हम लोग विशेष रूप से हम लोग प्रत्येक दिन इस महामारी की रोकथाम के लिए और इसके उपचार के लिए वैज्ञानिकों को और जो भी इससे संबंधित हैं उनको ईश्वर प्रेरित करे। ऐसी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन